हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अप्सरी। आप देख रहे हैं अप्सरी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रॉन कोरमा, वो भी एकदम आसान तरीके से घर में बनाना सिखाएंगे कम इंग्रेडिएंट्स में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर, हाफ टेबल स्पून साल्ट, हाफ टेबल स्पून टर्मिक पाउडर लगा दी है। और दो हरी मिर्च को हमने बीच से इस तरीके से कट लगाई है, और दो मीडियम साइज के प्याज को ऐसा स्लाइसेस बारीक में कट लगाई है, इस तरीके से देख सकते हैं। और 12 से 15 कड़ी पत्ते लिए है, और 1.5 टेबल स्पून मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ली हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉन ले ली हूँ, इसको अच्छे से वॉश करके, साफ करके वॉश कर लिए है इस तरीके से। इसका जो छिलका होता है ना, हम इसे नहीं निकाले हैं, एक बड़ा पीस था इसका ऊपर का जो छिलका, उसको निकाल ली है। बाकी के छिलके को हम निकाले नहीं है, हमारा जो प्रॉन है एकदम फ्रेश है। जब लोगों ने नदी में पकड़ रहे थे ना, हम तभी इसको बाय किया था। तो इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे और 1/4 चम्मच हल्दी डालकर हम ये प्रॉन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरीके से बनाइए प्रॉन कोरमा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका प्रॉन कोरमा कैसा बना। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करना, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसको गर्म करके इसमें जो प्रॉन है ना, इसको फैला कर डाल देंगे, और इसके और प्रॉन को फ्राई कर लेंगे। 40 से 50 सेकेंड तक हमारा जो प्रॉन है ना, वो नीचे से फ्राई होने लगता है, तो हम उसी टाइम हम इसमें पलटा लगा देंगे इस तरीके से। प्रॉन देखिए हमारा फ्राई हो चुका है, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 मिनट में ये फ्राई हो जाता है। तो हम इसे निकाल देते हैं। उसी कढ़ाई में हम 3 टेबल स्पून ऑयल डाली है, और ऑयल के गर्म होते ही हम कड़ी पत्ते और प्याज को डाल देंगे और गोल्डन फ्राई कर लेंगे। हमारे यहाँ प्रॉन को चुंगड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्याज देखिए हमारा गोल्डन फ्राई हो गया है, इसमें जिंजर गार्लिक जो है इसको डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भून चुका है, इसमें से जो तेल है ना वो छोड़ने लगा है। तो इसी टाइम हम सारे ड्राई मसाले और टमाटर को डालकर इसको भी हम भून लेंगे, और हमारा मसाला जितना अच्छे से भुनेगा प्रॉन का कोरमा जो है उतना ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। हमें ज़्यादा टाइम इसी मसाले में भुनने में ही लग जाता है, प्रॉन जब डालते हैं ना उसे कुकिंग होने में टाइम नहीं लगता है, वो झटपट से बन जाता है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाली हूँ और इस मसाले को और भून लूँगी। जब तक हमारा तेल मसाले से बाहर ना आ जाए तब तक हमें मसाले को ऐसे ही चलाते रहना है और पकाते रहना है। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, और तेल जो है मसाले से देखिए अलग होने लगा है। तो मसाले को भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कलर आया है, कितना अच्छा भुना है। तो इसी टाइम हम जो प्रॉन रखे थे इसको डाल देंगे, और प्रॉन के साथ में इसको मिलाते हुए 1 मिनट पका लेंगे इसी तरीके से। तो 1 मिनट बाद मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। पानी हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा ठीक ही रहेगा, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रॉन कोरमा बना रहे हैं। ये ज़्यादा मैंने ज़्यादा पानी नहीं होता है, थोड़ा सूखा सूखा होता है, आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसे ढककर 1 मिनट पका लेंगे। तो 1 मिनट बाद हमारा प्रॉन करी अच्छे से पक चुका है, और इसमें हम धनिया पत्ते डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारा देखिए प्रॉन करी बन गया है, हम एक बोल में डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉन कोरमा बनके रेडी है। आप इसी तरीके से घर में ज़रूर बनाइएगा प्रॉन कोरमा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका प्रॉन कोरमा कैसे बना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लेना।